नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पूर्व सीआईए अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान विश्व के लिए सबसे खतरनाक देश। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान संभवतः दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश है। उन्होंने कहा कि गिरती अर्थव्यवस्था, वहां फैला आतंकवाद, सबसे तेजी से बढ़ता परमाणु शस्त्रागार, छठी सबसे बड़ी आबादी और विश्व में सबसे ऊंची जन्म दर वाले देशों में से एक पाकिस्तान गंभीर चिंता का विषय है। इस्लामाबाद में सीआईए के पूर्व स्टेशन प्रमुख केविन हलबर्ट ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के विफल होने से दुनिया के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। हलबर्ट ने खुफिया समुदाय के लिए साइफर ब्रीफ नाम की वेबसाइट पर लिखा कि पाक ऐसे बैंक की तरह है जो इतना बड़ा है कि विफल नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा है कि उसे कोई विफल नहीं होने देगा, क्योंकि अगर उसे विफल होने दिया गया तो इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3.3 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन पाकिस्तान में करीब 18.2 करोड़ नागरिक हैं जो अफगानिस्तान की आबादी का करीब 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और आईएमएफ ने खरबों रुपए की वित्तीय सहायता दी है, क्योंकि पाकिस्तान का साया अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक डरा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए हम पैसा बहा रहे हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे सीमित सफलता मिली है, लेकिन हमें ये कोशिशें जारी रखनी चाहिए। दूसरी ओर शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस्लामिक स्टेट के साथ पहले से व्यस्त होने का फायदा उठाकर अलकायदा दक्षिण एशिया में फिर से खुद को मजबूत कर रहा है और पश्चिमी पाकिस्तान में अपने घर से भारत में अपनी विचारधारा के प्रसार की तैयारी कर रहा है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। हरदोई की रैली में नरेंद्र मोदी बोले, यूपी ने मुझे गोद लिया है, उत्तर प्रदेश मेरा माई बाप है। गुलाम नबी आजाद का मोदी पर हमला, नाम रख लेने से कोई सिकंदर नहीं हो जाता। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, उच्चतम न्यायालय में मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद। कश्मीर में सईद अली शाह गिलानी और शब्बीर अहमद शाह को छोड़कर सभी वरिष्ठ अलगाववादी नेता रिहा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सेना के हवलदार कृष्णन सिंह ने अपनी ही राइफल से गोली मारकर खुदकुशी की। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।